दोस्तों आज हम आपको बताएंगे थायराइड को जड़ से खत्म कर देगा धनिये का पानी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बिजी लाइफस्टाइल और अस्वस्थ खान पान के कारण थायराइड के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्टडी के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं को थायराइड होने की आशंका 10 गुना अधिक होती है। थायराइड कंट्रोल करने के लिए लोग ना एक्सरसाइज और दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन आप घरेलू नुस्खे से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिससे ना सिर्फ थायराइड कंट्रोल में रहेगा बल्कि इससे आप अन्य हेल्थ प्रॉब्लम से भी बचे रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या है थायराइड। दोस्तों शरीर में थायराइड एक ग्रंथि है जिससे थायरोक्सिन T4 ट्रीडोथारोनाइन T3 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन शरीर की एनर्जी को कंट्रोल कर ब्लड सर्कुलेशन, सांस लेने और डाइजेशन जैसी जरूरी क्रियाओं में मदद करते हैं। इस ग्रंथि में खराबी आ जाने के कारण थायराइड की शिकायत हो जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि महिलाएं क्यों होती है थायराइड की शिकार। दरअसल बिजी लाइफस्टाइल के चलते महिलाएं अपनी डाइट से समझौता कर लेती है और थायराइड, कार्बोहाइड्रेट्स, आयोडीन और विटामिन B12 की कमी, ज़्यादा नमक या सी फूड खाने से होने वाली बीमारी है। इसके अलावा हशीमोटो रोग के कारण भी महिलाओं में थायराइड का खतरा बढ़ जाता है। तो आइए अब जानते हैं बीमारी के लक्षण। हाइपरथायरायडिज्म में वजन घटना, गर्मी ना झेल पाना, ठीक से नींद ना आना, प्यास लगना, अत्यधिक पसीना आना, हाथ कांपना, दिल तेजी से धड़कना, कमजोरी, चिंता और अनिद्रा शामिल है। हाइपोथायरायडिज्म में सुस्ती, थकान, कब्ज, धीमी हृदय गति, ठंड, सूखी त्वचा, बालों में रूखापन, अनियमित मासिक चक्कर और इनफर्टिलिटी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो आइए अब जानते हैं घरेलू उपचार से कैसे करें कंट्रोल। वेट लॉस, डायबिटीज और डाइजेशन ही नहीं बल्कि थायराइड को कंट्रोल करने के लिए भी धनिये के बीज एक बेहतरीन उपाय है। थायराइड जैसी बीमारी में धनिये के पानी का रोजाना पानी पीने से 15 दिन में सही हो जाता है। इतना ही नहीं, इसका पानी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और मुहासों से छुटकारा भी दिलाता है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे बनाएं धनिये के बीज का पानी। इसके लिए 2 चम्मच धनिये के बीजों को रात भर 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें। सुबह इसे पानी समेत 5 मिनट के लिए उबालें और फिर छान कर यह पानी गुनगुना पिए। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप थायराइड कंट्रोल करने के लिए दवा ले रहे हैं तो सबसे पहले खाली पेट अपनी दवा लें और फिर 30 मिनट बाद यह पानी पिए। फिर इस पानी को पीने के 30 से 45 मिनट बाद नाश्ता करें। अगर आप चाहे तो इसे दिन में 2 बार खाली पेट भी ले सकते हैं। लगभग 30-45 दिनों तक नियमित सेवन करने के बाद थायराइड लेवल दोबारा चेक करवाएं। इससे आपका थायराइड कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया थायराइड को जड़ से खत्म करने के लिए करें धनिये के पानी का इस्तेमाल।